Assalamu alaikum, I am Sadiq. Today I am going to teach you the difference between this and it. आज हम डिस्कस करेंगे this और it में क्या फर्क है और इसका ग्रामेटिकल पोजिशन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू नो दिस. दिस को हम इंग्लिश में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पर जाना जाता है. ओके और डिमॉन्स्ट्रेट मीन इशारा करना, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल यहाँ मुझे लिख दिया है दिस इज माई बुक. दिस इज माई बुक, बुक जो है इसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ. ओके दिस इज माई बुक या दिस इज माई टेबल, दिस इज माई रूम, दिस इज अ बुक. सो नियर चीज़ के लिए हम दिस इस्तेमाल करते हैं और जब हम पार थिंग्स के लिए बात करते हैं तो हम देट इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देट इज अ कार, देट इज अ हाउस. ओके दिस इज द डिफरेंस. हाँ दिस का दूसरा इस्तेमाल है इंट्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल हम इंट्रोडक्शन करते हैं दिस इज माई कजन. सो इंट्रोडक्शन के लिए हम वी कैन यूज दिस. दिस इज सदीफ, दिस इज फवाद, दिस इज जवाद. ओके और दिस का जो है प्लूरल पार्ट दीज है, दीज आर माई बुक्स. ओके और देट का जो प्लूरल पार्ट है दोज है, दोज आर माई बुक्स. ओके इट जो है इसका ग्रामेटिकल पोजिशन क्या है. इट को हम कहते हैं डन सब्जेक्ट. डन मीन पैक सब्जेक्ट, आर्टिफिशियल सब्जेक्ट जो रियल में नहीं है. ओके फॉर एग्जाम्पल इट इज रेनिंग आउटसाइड. सो यह जो है एक पैक सब्जेक्ट के तौर पर मैंने आई कैन यूज इट. ओके या फॉर एग्जाम्पल इट इज योर प्रॉब्लम. वन थिंग मोर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट और दिस में क्या बेसिक फर्क है. ओके इट जो हम इस्तेमाल करते हैं एक चीज जो है मतलब नॉन फिजिकल है. इट इज योर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जो है हम टच नहीं करते. ओके और दिस जो है हम फिजिकल जो फिजिकल वजूद जो है इसका फिजिकल वजूद है तो हम वी कैन यूज दिस. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ टेबल, टेबल के लिए मैंने दिस इस्तेमाल किया. फॉर एग्जाम्पल टेबल जो है ये क्या है, ये एक सॉलिड चीज़ है, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद है. सो दिस इज वेरी कॉमन डिफरेंस बिटवीन इट एंड दिस. इसके अलावा इट जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इट इज माई कार, इट इज माई कार या इट इज अ बोर्ड, इट इज अ पेंसिल. ओके और इसके अलावा एनिमल और कंट्रीज के बारे में इस्तेमाल, इट इज माई कैट, ओके इट इज पाकिस्तान. सो और एक और जो इस्तेमाल है इट का जो हम इस्तेमाल करते हैं हेडर, अननोन जेंडर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि इट इज अ बेबी, इट इज अ डंकी. के इसके और इस्तेमाल है इट का, तो हम इट इस्तेमाल करते हैं. इट में एक और जो डिफरेंस है, अगर मैं से इट इज़ माई डार्क, डार्क जो है मैंने इस्तेमाल किया इट डार्क. ई डार्क जो है मेरा जाती डार्क नहीं है, ये एक जंगली जो है डार्क है. और जब मैंने ही इज़ माई डार्क इस्तेमाल किया तो ही जो है ये मेरा अपनी जाती जो है डार्क है जो मैंने पाला था. ओके दिस इज मी आर अबाउट इट एंड दिस. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. वन थिंग मोर इन द लास्ट, you must subscribe my YouTube channel. This is my request to all of you. Thank you.